हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका बूटस्ट्रैप 5 कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में और आप कैसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 को। ओके एंड गाइस, ये है पार्ट 3 आपका, जिसमें हम कवर कर रहे हैं आपका बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि बूटस्ट्रैप को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन एंड उसके बाद ऑनलाइन कैसे उसको यूज कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, गूगल पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको बूटस्ट्रैप। एंड जैसे ही आप बूटस्ट्रैप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च करके टॉप पे आपको बूटस्ट्रैप का आपको यहाँ पे वेबसाइट प्रोवाइड कराएगा, जिसका नाम है getbootstrap.com। ओके, तो आप क्लिक करेंगे सबसे पहले टॉप पे। एंड टॉप पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस है अभी। एंड इस तरह के इंटरफेस में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ब्रीफ कर रखा है इन्होंने अपने बारे में कि आप क्या है, क्या करते हैं ये। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे गेट स्टार्ट का बटन है एंड डाउनलोड का भी है। ओके, आप चाहते हैं तो डायरेक्ट डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। एंड आप चाहते हैं कि थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप चीजों को यहाँ से कर सकते हैं। ओके एंड गाइज, आप सबको मैं एक चीज और बता दूं कि लाइक आप में से जितने न्यू है ना, तो हमने अभी तक 2 वीडियो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के ऊपर डाल दिए, जिसमें मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताया था, देन उसके बाद में हमने ये बताया था कि क्या न्यू फीचर्स आए थे। एंड अगर आपको ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 4 एंड बूटस्ट्रैप 5 की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैंने क्या कर रखा है, 2 रियल प्रोजेक्ट्स ऑफ बूटस्ट्रैप 5 पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए वापस आते हैं अपने बूटस्ट्रैप। तो वापस आने के बाद बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करंट वर्जन अभी इनका चल रहा है यहाँ पे 5.0.2। ओके, ये इनका लेटेस्ट वर्जन है, ध्यान रखिएगा 5 के अंदर भी। ठीक है, एंड इसके बाद आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज को, तो आप याद तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। ओके, जैसे ही आप गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डॉक के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होम से ये हम डॉक पे आ गए। ओके, इट मींस कि डॉक्यूमेंटेशन पे आ गए प्रॉपर। इसके बाद यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये नेविगेशन दिख रहा होगा, नेविगेशन में राइट हैंड साइड में डाउनलोड का अभी भी बटन दिख रहा है आपको, एंड उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है। इस ड्रॉप डाउन पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने वर्जन, ओके, कि कौन से वर्जन पे आप करंटली अभी हो, कि किसकी डॉक्यूमेंटेशन आप देख रहे हो, ध्यान रखना इस बात को। आपको हमेशा यहाँ पे चूज करना है कि अगर आप 5 का देख रहे हैं तो 5 की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, अगर आप 4 की देख रहे हैं तो 4 की, 3 की, 3 की, 2 की, 2 की। ओके, जो भी आप देख रहे हो वो आपको यहाँ पे करंटली सिलेक्ट करके रखना होगा। तो हम यहाँ पे कौन सी देखने वाले हैं, 5 देखने वाले हैं, जिससे के लिए हमें बाय डिफॉल्ट 5 यहाँ पे सिलेक्टेड है गाइस। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे आप क्या क्या चीज कैसे कैसे करनी होती है वो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इन्होंने अगेन दे रखा है, क्विक स्टार्ट कर रखा है इन्होंने कि कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके जस्ट नीचे आने के बाद यहाँ पे CSS है। ठीक है, एंड CSS की कौन सी फाइल है, यहाँ पे CDN लिंक दे रहे हैं। ओके, CDN लिंक और ऑफलाइन लिंक में क्या अंतर होता है, CDN लिंक में क्या होता है कि गाइस की जितनी बार भी आपका पेज रीलोड होगा ना लाइव आपके इंटरनेट के थ्रू, बट आपका ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में आप अपने बिना इंटरनेट के भी आप चीजों को बना सकते हैं एंड इनके पूरे की पूरी क्लासेस को, कंपोनेंट को एंड पूरे की पूरी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जितनी भी चीजें प्रोवाइड कराते हैं तो उसको आप ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑनलाइन में आपको क्या है कि लाइक आपके पास इंटरनेट होना ही चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास CSS का ये CDN लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके थोड़ा सा जस्ट नीचे आएंगे हम तो यहाँ पे JS का आपको दिखेगा कि JS का इन्होंने यहाँ पे बता रखा है JS के बारे में कि यहाँ पे एक आपके पास JS के बंडल है। ठीक है, बंडल में क्या क्या होता है ये कुछ हम सारा कुछ कवर करेंगे जब मैं पूरी की पूरी सीरीज में एक एक स्टेप आपको समझाता हुआ चलूंगा जब। ठीक है, एंड सेपरेट आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेपरेट में आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे प्रॉपर एंड बूटस्ट्रैप के दोनों CDN लिंक अवेलेबल है। ये तो बात हो गई आपके CDN की, ध्यान रखना इस बात को, ये बात हो गई आपकी CDN की। तो CDN को कैसे यूज करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें कैसे कॉल करवाया जाता है और कैसे यूजेस करी जाती है चीजों को वो तो देखते हैं हम सबसे पहले। तो मैं यहाँ से करूंगा कॉपी, मैंने इसे कर लिया यहाँ से कॉपी, एंड मैंने क्या कर रखा है कि अपने एडिटर पे एक फाइल बना रखी है। ओके, सो एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक फाइल बनी हुई है जिसका नाम है index.html। ओके, ये फाइल कहाँ पे, ये फाइल है आपको मैं फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ये फोल्डर स्ट्रक्चर है आपका प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है जिसके अंदर ब्लैंक अभी कुछ भी नहीं है, हमारे पास एक डमी फाइल है। डमी फाइल को मैंने क्या कर रखा है index.html दिया है, जिसमें मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे डॉक हेड के अंदर बता रखा है ये मेटा टैग्स होते हैं रिस्पॉन्सिव चेक करने के लिए बाय डिफॉल्ट के, एंड यहाँ पे टाइटल। ठीक है, ये सारा कुछ मैं कवर करूंगा आपको डिटेल में। ठीक है, कैसे इसको लेते हैं, मेटा टैग क्यों यूज करते हैं, क्या काम आते हैं, ठीक है, ये सारा कुछ। अभी हमारा क्या है, हमारा बूटस्ट्रैप 5 का जो मैंने CSS का CDN लिंक वहां से कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट करना है। तो वो हमेशा हमारा CSS का जितना भी काम होता है ना गाइस किसी भी प्लगइन का, तो वो हम रखते हैं आपका हेड सेक्शन में, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो मैं यहाँ कर दूंगा पेस्ट। ठीक है, एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये CDN लिंक अवेलेबल हो रहा होगा, यहाँ पे लिंक HREF, इस HREF पे यहाँ पे CDN लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, एंड क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस ब्राउजर के लिए यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा ये चीजें लगा रखी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे आपका क्या है कि इस CDN लिंक को चलाने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बिना इंटरनेट के आप बूटस्ट्रैप के फाइल को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे अगर आपने CDN लिंक यूज कर रखा है तो।
ध्यान रखिएगा इस बात को। इस सीएसएस फाइल को लिंक करने के बाद हम इसे टेस्ट कैसे करेंगे, हम ये सक्सेसफुली लिंक है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ एक एचआरईएफ, ठीक है। इस एचआरईएफ पे हैश एक क्लास होगा आपका। इस क्लास पे बाय डिफॉल्ट हमें क्या मिलता है, बूटस्ट्रैप 4 एंड 5। आपने अगर पढ़ रखा है तो ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो मैं आपको बता दूं कि बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड कराता है BTN, एंड BTN के साथ में वो हमारे को क्लास प्रोवाइड कराता है जो कि हमारे को यहाँ पे हम यूज करने वाले। ये देखिए, अब ये है अभी डमी के लिए, ध्यान रखना इस बात को, ये डमी के लिए बस। मैं भी अब जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि लाइक ये फाइल अगर कनेक्ट हो गई है तो यहाँ पे ये बटन बना देगा, अगर नहीं बनाएगा तो इट मीन्स की फाइल कॉल नहीं हो रही है आपकी, ठीक है। यहाँ पे करेंगे इसको सेव, एंड सेव करने के बाद हम अपनी फाइल को ब्राउजर पे ओपन करेंगे। तो हम चलेंगे अपनी फाइल पे, फाइल पे आने के बाद यहाँ पे करेंगे राइट बटन क्लिक, राइट बटन क्लिक कर गूगल क्रोम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर में आपको यहाँ पे बटन बना हुआ दिख रहा है, ओके। इट मीन्स कि आपकी सीएसएस यहाँ पे आ रही है, ओके। एंड मैं आपको एक बार इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि सीएसएस कैसे आ रही है, वो भी आप समझिए कि यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, हेड सेक्शन में यहाँ पे सीएसएस का यहाँ पे सीडन लिंक हमने बूटस्ट्रैप का डाला, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। मैं थोड़ा सा इसको नीचे लेके आता हूँ जिससे कि आप इसको देख सकें, ये देखिए, ठीक है। एंड इसके बाद मैंने क्या कर रखा है, एक डमी एंकर लिया। इस डमी एंकर पे मैंने BTN जो कि बूटस्ट्रैप की क्लास है, एंड BTN प्राइमरी वो आपकी कलर की क्लास है, ठीक है। इन दोनों चीज को यूज करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है BTN प्राइमरी हमें क्या कर रहा है, कलर दे रहा है, फॉन्ट का, बैकग्राउंड का, बॉर्डर का, ठीक है, ये सब दे रहा है। एंड बाकी तो बटन के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज चल रही है जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। ये जस्ट एक डमी है कि लाइक कि आप कैसे बूटस्ट्रैप 5 को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सीएसएस कॉल हो रही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बटन डॉट scss, ठीक है। अभी मैं ये भी समझाता हूँ scss और sass में कैसे ये चीजें चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ये था आपका सीएसएस का सीडन लिंक यहाँ पे, ओके। ये चीज आपकी सीडन लिंक थी किसकी, सीएसएस की, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है आपको, अब तो हमने सीएसएस लगा लिया सीडन लिंक से, अब जेएस में आपको करना होता तो जेएस में भी सेम ऐसे ही करते हैं, आपके यहाँ से इसको ले लेते आप एंड कॉपी करके आप कहाँ डालते हैं, इसको कॉपी करके आप इसको स्क्रिप्ट बॉडी के जस्ट नीचे, तो वहां पे आप डालते हैं स्क्रिप्ट के थ्रू। एंड वहां पे ये चीज हम कब देखेंगे, जब मैं आपको इसके अंदर मॉडल और बहुत सारी चीज जो जावास्क्रिप्ट से चलती है बूटस्ट्रैप के अंदर, उस टाइम पे मैं इस चीज को बताऊंगा आपको। अभी हमारा सीएसएस का काम ज्यादा है क्योंकि मेरे को आपको ये बताने के पहले उसके अंदर जो चीजें आई है वो कैसे यूज करते हैं, ओके। तो सेम जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूं, मैंने कॉपी करी जेएस, जेएस कॉपी करने के बाद आपको इसको कॉल कैसे करना होता है, ये जैसे बॉडी है बॉटम में आपको जस्ट यहाँ पेस्ट करना है, देखिए, ओके, दैट्स इट। मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ ये चीज, अभी हमारे को इसका कोई यूज नहीं है और मैं अभी आपको इसको करके भी नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें आ जाएंगी तो लाइक आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे चीजों को लेकर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ वो वीडियो में पर्टिकुलर एक वीडियो है उसमें आपको मैं डिटेल में समझाऊं, देन उसके बाद ही आप समझ सके। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे सीडन लिंक को यूज करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि इसी आपको बूटस्ट्रैप 5 को ऑफलाइन यूज करना है बिना इंटरनेट के, आप चाहते हैं इंटरनेट नहीं यूज करना, तो उसके लिए कैसे होगा, तो आप यहाँ पे आएंगे ऊपर, ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे सीएसएस है, यहाँ जेएस है, यहाँ सेपरेट है, यहाँ मॉड्यूल है, ठीक है, एंड यहाँ पे ये सारा कुछ है, ठीक है। बट आपको अब क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा गेट स्टार्टिंग के अंदर इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको समझाया जहाँ पे आपका सीडन लिंक्स अवेलेबल है और थोड़ा बताया बूटस्ट्रैप के बारे में। मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपका एक नए पेज पे ले जाएगा हमें। इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का दिख रहा होगा, ठीक है। इस डाउनलोड के अंदर यहाँ पे आपके पास दो फाइल्स हैं, सबसे पहले कंपाइल सीएसएस एंड जेएस, ये एक तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर आपके पास क्या है कि मिनी फाइल जो होती है ना आपकी, जिसमें आपका क्या है कि वाइट स्पेस को रिमूव करके फाइल की साइज को कम किया जाता है, ठीक है। वो फाइल्स भी होंगी इसके अंदर और एक नॉर्मल फाइल भी होगी जैसे कि आपने सीएसएस देखी होगी, ठीक है, नॉर्मल फाइल जो आपने सीएसएस में देखी है वो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, आप यहाँ पे आएंगे सोर्स फाइल, सोर्स फाइल्स में आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सैस कंपाइलर, सपोज आपको सैस आते है गाइस, ओके, एंड सैस में आप चाहते हैं चीजों को लेना एंड उसको देखना करना, तो वो सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। एंड फॉर एग्जांपल के लिए आपको लाइक की कुछ एग्जांपल चाहिए तो आप यहाँ से भी डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हैं। बट एंड उसी के साथ में अभी जैसे कि मैंने आपको वहां पे दिखाया कि लाइक की आपको सीडन लिंक अवेलेबल थे, वैसे यहाँ पे आपके सीडन लिंक ये देखिए अवेलेबल है। आपके पास यहाँ पे कौन से सीएसएस है, पहले आपका सीडन लिंक आपका सीएसएस का, उसके जस्ट नीचे इन्होंने जेएस का भी दे दिया। इन्होंने दो दो जगह पे इसलिए रखा है कि लाइक इंट्रोडक्शन से अगर किसी को लेना हो तो वो ले लें, अदरवाइज अगर आप डाउनलोड वाले पेज पे आते हैं तो आप यहां से भी दोनों चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, सीडन एंड आपके डाउनलोड को। तो चलिए हम डाउनलोड करते हैं सबसे पहले ऊपर वाली फाइल को जिसके अंदर सारी फाइल्स होती है, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे। जैसे मैं इसे डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड करते ही यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया, एंड डाउनलोड करते ही कहाँ पे गया, मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड शो इन फोल्डर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डाउनलोड्स में आ गया, ठीक है। इस डाउनलोड्स के आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको अपने फोल्डर्स में लेके जाऊंगा, तो फोल्डर में ले जाने के बाद यहाँ मैं कहाँ पे ले जाऊंगा, देखिए यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि मैं आ गया कहाँ पे, बूटस्ट्रैप 5 ट्यूटोरियल्स एंड
अपने प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर के अंदर। ठीक है, मैं यहां कर दूंगा पेस्ट। यहां जैसे ही मैं पेस्ट कर दूंगा तो देखिए हमारे पास यहां पे अभी आपको जिप फाइल मिलेगी। ध्यान रखिएगा आपके सिस्टम के अंदर विनआर होनी चाहिए या 7-zip को आपको होना चाहिए सॉफ्टवेयर, जिससे कि आप इसको अनजिप कर सके। तो आपको क्या करना होगा, राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करने के बाद आप करेंगे एक्सट्रैक्ट हियर। ओके, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, इस फोल्डर पे आने के बाद आप क्लिक करेंगे, इसमें दो फोल्डर्स मिलेंगे इसके अंदर इनसाइड, पहला सीएसएस दूसरा जीएस। पहले सीएसएस देखते हैं देन उसके बाद जीएस देखेंगे। तो सीएसएस पे क्लिक करूंगा। सीएसएस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखिए बूटस्ट्रैप का सबसे पहले जो नॉर्मल सीएसएस होती है ना वो बूटस्ट्रैप की ये वाली फाइल है। ठीक है, इसका साइज देखिए 192 KB का है। एंड इसके बाद इसी फाइल में से आपको वाइट स्पेस हटा दिया गया है एंड उसको एक लाइन में लिख दिया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे उसका फाइल साइज देखिए 153 KB का। एंड इसके बाद आप देखेंगे बूटस्ट्रैप RTL। ओके, ये चीज मैंने आपको बताया था जब मैंने फीचर्स के बारे में बता रहा था मैं आपको, तो ये भी हम देखेंगे इन दोनों को कैसे यूज करते हैं, कैसे बताया जाता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप को पूरा यूज नहीं करना चाहते आप, ओके, आप चाहते हैं कि उनका ग्रिड सिस्टम यूज करना, तो वो ग्रिड सिस्टम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये बूटस्ट्रैप ग्रिड देता है। ठीक है, बूटस्ट्रैप आपको ग्रिड सिस्टम के लिए आपको क्या देता है, बूटस्ट्रैप एक फाइल देता है जिसका आपका फाइल साइज यहाँ पे देखिए 70 KB का है। एंड बूटस्ट्रैप मिन में आप देखेंगे तो 51। ओके, आप समझ रहे ना मिन एंड नॉर्मल फाइल का डिफरेंस कि कैसे इस चीजों को चल रहा है। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे भी सेम RLTL मिन सेम। एंड ये रिबूट वाली फाइल को आपको नहीं देखना है, ये रीसेट करने के लिए होता है, दैट्स इट। एंड इसके साथ में इस वाले 5 में क्या है, 5 में आपको दिख रहा होगा, 4 में नहीं था ये। ठीक है, बूटस्ट्रैप यूटिलाइज। ठीक है, अब इसके अंदर ना बहुत सारी नई नई क्लासेस आ गई है, कैसे आप क्लासेस को चेंज कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सारा कुछ इस फाइल्स के अंदर आया है, तो सारा कुछ देखेंगे इसमें। बट इनमें से कौन सी फाइल को आपको कॉल कराना होता है, क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स क्या करते हैं सारी की सारी फाइल्स को कॉल करा देते हैं, ऐसा नहीं करते गाइस। ठीक है, आपको क्या करना होता है, आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं ना, और अगर आप उसमें बूटस्ट्रैप को यूज कर रहे हैं डाउनलोड करने के बाद में, तो आपको या तो आप मिन कराइए या तो आप बूटस्ट्रैप कराइए, अगर आपको बूटस्ट्रैप के सारे कुछ कंपोनेंट्स बटन या जितनी भी चीजें आपको यूज करनी है। अगर आपको ग्रिड यूज करना है तो बूटस्ट्रैप का ग्रिड ही सिस्टम, जो यहाँ पे आपको मैं फाइल दिखा रहा हूँ। तो देखिए अब मेरे को यहाँ पे ये फाइल कॉल करानी है, तो मैं कॉल करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा इसको, यहाँ से मैं करूंगा इसको रीनेम करके कॉपी। ठीक है, अपने यहाँ पे फाइल पे चलूंगा, फाइल पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा रिमूव। ठीक है, अब रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लिंक रिलेशन HREF। ठीक है, इस HREF में आप सबसे पहले एक्सेस कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको कैसे मिलेगा ये प्रोजेक्ट नाम का आपका ये रहा। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये देखिए html फाइल यहाँ पे हमारी index.html यहाँ पड़ी है, उसी के जस्ट बाहर में आपको बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बूटस्ट्रैप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, सीएसएस ले रहा हूँ। ठीक है, एंड सीएसएस की कौन सी फाइल लेनी है मेरे को, जो कि मैंने अभी आपको बताई, तो यहाँ पे ग्रिड आ रही है, रिबूट आ रही है, देखिए सारी फाइल्स आ रही है यहाँ पे, देखिए सारी फाइल। अब मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल वाली सीएसएस ले लूँ, देखिए नॉर्मल वाली फाइल को मैंने कॉल करा दिया, और ये कैसे कॉल कराया वो आप समझिए। यहाँ पे सबसे पहले फोल्डर का नाम, ओके, इसके बाद इसके अंदर सीएसएस, क्यों, क्योंकि हमें सीएसएस एंड जेएस के दो फोल्डर मिल रहे हैं। एंड उसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास सारी फाइल्स हैं, तो इसको कैसे एक्सेस करा देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद चलेंगे ब्राउजर पे, जो कि बटन हमने बनाया था, अगर हमने हमारी फाइल सही से करेक्ट लगी होगी तो वो बटन बनेगा अगेन, अगर नहीं लगी होगी तो नहीं बनेगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे। एंड ब्राउजर पे आने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। ठीक है, देखिए जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, इट मींस कि हमारी फाइल बिल्कुल एक्यूरेट कॉल हुई है जो कि हमने लगाई है वहां पे। ठीक है, ओके, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों में कि आपने बहुत सारी फाइल्स कॉल करा ली। ठीक है, आप हमेशा क्या करिए, जब आप कभी भी हेड सेक्शन में कॉल करवाते हैं ना, तो बूटस्ट्रैप की फाइल को सबसे ऊपर रखिए, एंड देन उसके बाद अपनी सीएसएस जो होती है ना आपकी, जिसमें आप कस्टम सीएसएस लिखते हैं, वो आप उसके नीचे रखिए हमेशा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए फोल्डर स्ट्रक्चर की, सबसे पहले यहाँ पे कैसे मैंने इसको गेट करा, कैसे कॉल करवाया, एंड कैसे इन चीजों को मैंने यहाँ पे कॉल करवा के वहां पे आपको दिखाया, एक डमी मैंने यहाँ पे दिखाया था, वैसे ही आपको जीएस भी कॉल करवानी है। जैसे जीएस में कौन कौन सी फाइल मिलती है आपको वो भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे चलते हैं अपने फोल्डर पे, एंड फोल्डर पे आने के बाद मैं बैक कर लेता हूँ। ठीक है, बैक करने के बाद जीएस पे चलते हैं। जीएस के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी 6 फाइल्स हैं। ओके, एंड ये 6 फाइल्स में क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले बूटस्ट्रैप बंडल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें भी दो मेन होंगी फाइल, एक नॉर्मल होगी एक मेन होगी, क्योंकि इनके डिफरेंस आप देखेंगे तो 204 KB की आपकी नॉर्मल वाली फाइल है, एंड जिसमें वाइट स्पेस हटा दिया गया है, एंड एक लाइन में लिखा गया है उसमें है 77 KB की। ओके, एंड इसके बाद बूटस्ट्रैप की है यहाँ पे ये चीज, ये सारा कुछ हम देखेंगे कि इनमें क्या ऐसा खास आया है। ओके, तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का आपकी जीएस है ये देखिए 146 KB के, एंड मिन फाइल को आप देखिए कितना कम है 59 KB ओनली। ओके, इन्हीं फाइल में से आपको इन दोनों फाइल को कॉल कराना होगा, दैट्स इट। बाकी इन फाइलों को जब हम कॉल करेंगे, जब आपको बूटस्ट्रैप के सारी चीजों का एक्सेस करना होता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे चलते हुए स्टेप बाय स्टेप।
ठीक है, तो ये चीज तो हो गई आपकी। अब इसके बाद मैं एक चीज और आपको दिखा दूं कि नॉर्मल सीएसएस और आपके मिन सीएसएस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपने फोल्डर को खोलूंगा यहीं से, एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमारी फाइल कहाँ है वो देखेंगे हम। फाइल है हमारी यहाँ पे नीचे, मैंने नॉर्मल फाइल को खोला। देखिए नॉर्मल फाइल को खोलने के बाद मैं दोनों फाइल खोल देता हूँ। ठीक है, मैं दोनों फाइल को खोल देता हूँ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा उस फाइल में जो मेन वाली फाइल हो, बट आप पहले नॉर्मल देखिए। नॉर्मल में आपके पास ये सारी फाइल्स मिलती है, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल होता है। ये देखिए जितना कुछ आप यूज करने वाले होते हैं ना, जितना आपने यूज भी किया होगा अगर आप नहीं यूज करा है, और जितना यूज हम करेंगे, जितना एचटीएमएल के टैग होते हैं, जितनी क्लासेस देते हैं ये लोग, वो सारा कुछ ये नॉर्मल सीएसएस देखिए जैसा आप लिखते हैं वही चीज इन्होंने लिखी हुई है गाइस। ठीक है, एंड मिन में आप चलेंगे तो मिन में आप देखेंगे तो देखिए मिन में पहली बात तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि सब कुछ आपका व्हाइट स्पेस यहाँ से हटा हुआ है। एक लाइन में लिखने की कोशिश होती है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए एक लाइन में, तो यहाँ पे आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपका क्या है कि हम मिन फाइल को कब यूज करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। जब आपका क्या होता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पीरियड में होता है, तब तो आप क्या कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की इस वाली फाइल का यूज कर सकते हैं, बट जब आपकी वेबसाइट आपकी लाइव होने वाली होती है, जब आपका प्रोडक्शन लेवल पे जाती है वेबसाइट, तो उस टाइम पे आपको मिन में कर देनी चाहिए सारे के सारे सीडीएन। अगर आप यूज कर रहे हैं तो मिन में, अगर आप लोकल यूज कर रहे हैं जैसे मैंने अभी आपको डाउनलोड करके दिखाया, तो उसको भी आपको मिन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये बूटस्ट्रैप में कैसे लिंक करते हैं, कैसे आपको डाउनलोड करके ऑफलाइन चलाना है, कैसे सीडीएन चलाना है, ये दोनों चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसकी प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टिल देन जय हिंद गाइस, बाय बाय।